हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर संजय राघवंशी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे फिजिक्स में बहुत काम आता है। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन, इसको समझने के लिए जैसे आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर n, what is it? Differentiation of x to power n with respect to s is nx n minus 1. When you use this formula, so if you differentiate x to power 4 with respect to s, what you will get? You will get 4x cube. तो जैसे हम 2 को 2 से multiply करते हैं 4 आता है, 4 को multiply by 3 करते हैं 12 आता है। अब नाउ 12 डिवाइडेड बाय 3 अगेन यू गेट 4। तो जिस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, सिमिलरली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स टू ईच अदर। तो व्हेन यू डिफरेंशिएट x टू पावर 4 यू गेट 4x क्यूब, राइट। तो अब इसको आप इंटीग्रेट कर दें तो देन यू विल गेट x टू पावर 4। Or you can say like that, if differentiation of function x with respect to x is f dash x, so when we integrate this f dash x, इसको integrate करें, then you will get again fx. So similarly here, कि if you integrate 4x cube dx, so you will get x to power 4. So we can say the integration is the inverse of the differentiation. अभी सिंपल ऐसा क्या है इंटीग्रेशन का? देखिए, हम समीशन के लिए भी राइट डाउन s, s यूज फॉर समीशन, और इंटीग्रेशन इज ऑल्सो यूज फॉर द समीशन वर्क। सो इफ यू एलोंगेट दिस s, देन यू गेट दिस सिंपल लाइक दैट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का सिंपल ये होता है, and when you integrate it, so you get a new function like that. So differentiation of this 4x cube, when you integrate it again, you get x4. So it means if we integrate the differentiation of function x, then again we get fx. It is दे कैंसिल आउट दियर इफेक्ट। इसके डिफरेंशिएशन से एफ डैश एक्स मिला एंड एफ डैश एक्स को वापस इंटीग्रेट कर दिया तो एफ एच मिल गया अगेन। तो दे कैंसिल आउट दियर इफेक्ट अगर हम दोनों काम एक साथ करते हैं तो। तो मेरे को उम्मीद है कि अब आपको इतना लोग समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब एग्जैक्ट व्हाट इज इंटीग्रेशन, कैसे फंक्शन के, वी विल डिस्कस इन द मैथ क्लास इन एनी डे। टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली दिस थिंग कि सब इंपॉर्टेंट रिलेशंस और इंटीग्रेशन फॉर्मूला वी विल यूज, जनरली वी विल यूज इन द फिजिक्स। दैट्स व्हाई वी नीड फॉर द फिजिक्स डेरिवेशंस। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओनली दोज रिलेशंस। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू पावर एन इज एन एक्स एन माइनस वन। तो इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होगा वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो व्हेन यू इंट्रीगेट x टू पावर n, हमारा क्या होना चाहिए, इसको इंट्रीगेट करें तो x की पावर n आना चाहिए, तो इसमें एक पावर जोड़ दो, इससे डिवाइड कर दो, तो ये खाली x की पावर n रह जाएगा। तो पहला फॉर्मूला आप नोट करिए फटाफट, इंट्रीगेशन ऑफ x टू पावर n dx, इंट्रीगेशन ऑफ x टू पावर n dx इज इक्वल टू x raised to n plus 1 upon n plus 1. Whatever be the power here, you increase by 1 and divided this whole value, n plus 1. Remember one thing, ki this formula is not applicable for the value of n is equal to minus 1. So for that, this formula is not applicable. This means what is the value of n here? N is not equal to minus 1. Because we say it's not applicable for n equal to minus 1. Iske liye applicable nahi hai.
तो इस वैल्यू को छोड़ करके एनी वैल्यू दिस विल बी एनी। ये क्यों नहीं है? देखो पहला रीजन तो यही कि डिफरेंशिएशन से उल्टा इंटीग्रेशन होना है इनवर्स, तो इसलिए log x का आएगा। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जब n की वैल्यू माइनस वन यहां रखते हैं तो ये माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाता है, तो इट इज ए मीनिंगलेस वैल्यू। तो दिस वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड, देयरफॉर दिस इज नॉट एप्लीकेबल। तो दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एक्सेप्ट n इक्वल टू माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल इफ x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 4, मतलब x इज टू पावर 4 dx, इफ यू इंटीग्रेट इट using this relation, what you get? 4 plus 1 upon 4 plus 1. And a integration constant we mark plus c is here. What is it? We'll discuss. So this is x is to power 5 by 5 plus a constant. This constant is called integration constant. क्या कहलाता है ये constant? Integration constant कहलाता है. Sorry. तो ये इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट क्यों आता है कि एक्चुअली कहीं फिजिक्स और कहीं भी हम यूज करते हैं तो इट्स अ सम सर्टेन कंडीशन, कुछ इनिशियल कंडीशन होगी कुछ फाइनल कंडीशन होगी। तो दिस व्हेन यू यूज इट, इनिशियल कंडीशन में नोट डाउन हियर, फाइनल कंडीशन में नोट डाउन हियर। विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। तो वो कंडीशंस पे दिस वैल्यू सी इज देयर, जनरली एट योर लेवल this value comes out zero, but in some cases not. So if these value of integration constant depend on this, therefore we use write down always plus c. So d plus c is called integration constant and it is as so now you can easily prove it ki when you differentiate this x is to power 3 dx, humne isko differentiate kiya x is to power 4 ko, we get 4x cube. अब इसको इंटीग्रेट करिए यूजिंग दिस रिलेशन, 4 ऑल कांस्टेंट क्वांटिटी ऑलवेज टेकिंग आउटसाइड द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, सो दिस 4 कम्स आउटसाइड, दिस बिकम ओनली x टू पावर 3, 1 पावर इंक्रीज करना आपको तो 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 4 और वो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट x टू पावर 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए डिफरेंशिएशन किया ये वैल्यू आई, इसको इंटीग्रेट कर दिया वापस ये फंक्शन आ गया। तो फाइनली यू कैन से कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज अगेन इक्वल टू एफ एक्स। नाउ अनदर फॉर्मूला कि जब मैंने कहा था दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एन इक्वल टू माइनस वन, तो अगर वो हो तो उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो नोट डाउन दैट फॉर्मूला x is to power minus 1 dx, it means this is also you can say 1 upon x dx. So 1 upon x dx ki jo value aayegi aapke paas, that is log x, log to the base e x, jise hum simply l and x bhi kehte hain, natural log of x, natural log of x log, iski value aapke paas aa jayegi। तो इंटीग्रेशन मैंने कर दिया आपको x की पावर n का, क्या फॉर्मूला बताया x टू पावर n प्लस 1 अपॉन होल n प्लस 1, फिर मैंने आपको बता दिया इसका फॉर्मूला। अब मैं आपको और फॉर्मूले बता देता हूं जो फिजिक्स में काम आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x, इनकी वैल्यूज क्या होगी अब हम वो डिस्कस करते हैं और उस पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैंने अभी यहां पे आपको बताया x टू पावर माइनस वन डी एक्स की वैल्यू, अगर x की पावर जीरो होती मतलब n की वैल्यू माइनस वन हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। या अगर मान लो वन डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, आप चाह रहे हैं कि इंटीग्रेट करो वन डी एक्स, तो मैं वन डी एक्स को x की पावर जीरो लिख सकता हूं क्योंकि वी नो दैट कि एनी नंबर हुज पावर इज जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन। ऐसा क्यों किया कि मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, तो वैल्यू ऑफ एन बिकम जीरो, तो इट इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन सी, तो इट इज फाइनली कम्स आउट एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर जीरो डी एक्स या आपका जो एक्स की वैल्यू होती है
वो सिंपली आ जाएगा x, तो dx का इंटीग्रेशन x होगा। ये हमेशा याद रखना, फिजिक्स में बहुत काम आता है। अब मैं आपको बता रहा हूं अनदर फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला हो गया x is to power n dx is equal to x is to power n plus 1 upon n plus 1। फिर दूसरा हो गया x is to minus 1 dx और 1 upon x dx, इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 upon x dx, इट इज नेचुरल लॉग ऑफ x। अब आप ले लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो ज्यादा हमारे साइन कॉस काम आते हैं, मैं उसी को बताऊंगा अभी आज, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी के डिस्कस है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, अगर ऐसा हो कि साइन x dx का इंटीग्रेशन करना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या आता है, कॉस x आता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x क्या होता है, माइनस साइन x आता है। तो मैंने कहा इनवर्स प्रोसेस है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x माइनस साइन x है, तो साइन x इक्वल टू कॉस x है, तो इसका साइन x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस x प्लस a इंटीग्रेशन कॉस x c आ। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx करोगे तो कॉस x का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन x होगा, लेकिन साइन x के डिफरेंशिएशन कॉस x होता है, तो कॉस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, साइन x प्लस इंटीग्रेशन कॉस x c। अब इन दो फॉर्मूले पे बेस्ड मैं आपको कुछ सवाल बताता हूं, वो करते हैं। तो अब हम एक सवाल लिखिए, करते हैं अपन उसको, साइन 2x बाय साइन x, क्या बोल रहा हूं मैं, साइन 2x बाय साइन x को इंटीग्रेट करना है। तो हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये वाला यूज होगा, तो आप इंटीग्रेट करिए। तो हमारे पास इंटीग्रेशन है साइन 2x, क्वेश्चन है हमारे पास साइन ऑफ 2x अपॉन साइन x इज दिया, इसको इंटीग्रेट करना है। तो फॉर्मूले में अपॉन तो ही नहीं, तो हमें इसको गायब करना है, तो आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए, साइन 2x इक्वल टू क्या होता है भाई, कोई बता सकता है, साइन 2x, साइन 2x, यस वेरी गुड, 2 साइन x cos x, साइन 2a होता है ना, 2 साइन a cos a, तो साइन 2x की जगह आप क्या लिख देंगे, 2 साइन x cos x। तो यहां आपने लिख दिया साहब, क्या लिख दिया हमने, 2 साइन x cos x अपॉन दिस साइन x, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए और ये dx। अब ये साइन x है, साइन x कैंसिल, 2 cos x आपका रह गया, 2 आपके बाहर आ जाएंगे, cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है, तो 2 साइन x प्लस a इंटीग्रेशन cos c, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट। अब हम एक नेक्स्ट सम करने की कोशिश करते हैं, एक और बता देता हूं आपको, कॉस स्क्वायर एक्स ले लेते हैं। अब स्क्वायर का टर्म का भी बता देते हैं, फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं है, अब स्क्वायर हो तो कैसे करोगे, तो उसको ले लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको, किसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब अगेन देखिए, यहां सिर्फ साइन और कॉस बताए, तो हमें इस स्क्वायर को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना है, तो कॉस 2x के जैसे साइन 2x का फॉर्मूले है, इसी प्रकार से कॉस 2x के फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या होते हैं पता हो तो बताइए, लिख लीजिए आप, कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड फॉर्मूला, कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एंड थर्ड फॉर्मूला, cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1। आपको कोई भी प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उस पे वीडियो बता दूंगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए उस पे आप कर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9410711854, इस पे आप अपना क्वेश्चन क्वेरी डाल दीजिए, मैं आपको उनके आंसर्स भेज दूंगा। तो हमें यहाँ पे इस फॉर्म में लाना है, तो पहले में अगेन स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, तो 1 cos square x आ रहा है, तो cos 2x को cos square x वाला फॉर्मूला लेना है आपको वाली, तो वो क्या था, 2 cos square x minus 1।
use this relation 2 cos square x minus 1. यहां से cos square x की वैल्यू निकाल के put it here. तो what is the value of cos square x? cos square x की वैल्यू क्या आ जाएगी जब आप इसको रीअरेंज करोगे? तो cos square x is comes out 1 plus cos 2x upon 2. क्या आ जाएगा बच्चों? 1 plus cos 2x upon 2. तो इसको आप यहां put कर लीजिए. तो this is equal to, या this we can be written as, sorry, 1 plus cos 2x upon 2. तो 1 plus cos 2x upon 2 आप अपने इसमें लिख देंगे. जब आप ये लिख देंगे